हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट. माय सेल्फ रिशिका. तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं पहले बता देती हूँ, फिर इस सीरीज़ वाइज यहाँ पे स्टार्ट होगा. ओके तो थर्ड क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं. यहाँ पे महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. फोर स्टेटमेंट दी गई है. फर्स्ट है, इट वॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कंपेन अगेंस्ट रेशनलिज्म इन साउथ अफ्रीका दैट गांधी जी फर्स्ट अप्लाइड सत्याग्रह. सेकेंड स्टेटमेंट है, द टू वाइटल इन्ग्रीडियंट्स ऑफ सत्याग्रह आर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. थर्ड है, द सत्याग्रह ही रेसिस्ट एवल बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन हिमसेल्फ एंड नॉट बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन द ओपोनेंट. एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, इन इंडिया सत्याग्रह वॉज फर्स्ट ट्राइड बाय गांधी जी इन चंपारण. तो इन फोर्थ स्टेटमेंट से आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पे आपकी करेक्ट है. फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड फोर्थ एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. ओके तो यहाँ पे आपको पता है कि चारों स्टेटमेंट आपकी सर करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बता रही है कि रेशनलिज्म जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी के अगेंस्ट में हुआ था, यानी कि वहाँ पे जो गोरे काले का भेद हो रहा था, तो उसके बाद ही गांधी जी का फर्स्ट जो है इस तरीके से सत्याग्रह का स्टार्ट हुआ. सेकेंड जो है वो यहाँ पे आपका ट्रूथ और नॉन वायलेंस, ये दो उनका इंग्रेडिएंट था सत्याग्रह के लिए. थर्ड भी यहाँ पे सही है और फोर्थ भी सही है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए चंपारण से ही वो इंडिया में सत्याग्रह स्टार्ट किए थे. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, यानी कि थर्ड का डी. अब आते हैं 23rd क्वेश्चन नंबर में. ये आपका मैप का क्वेश्चन दिया गया है और इसमें रिवर पूछी गई है. तो यहाँ पे लिस्ट वन रिवर है और लिस्ट सेकंड आपका लोकेशन बताया जा रहा है मैप में, कि आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी यहाँ पे मैप में कौन सी लोकेशन है. तो ए है पेन्नर, वेगई, कावेरी, कृष्णा, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. ओके तो इस हिसाब से आपको बताना है. तो पहले आप लोग यहाँ पर एक मैप देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. देखिए इस मैप में आपको साफ यहाँ पर क्लियर हो जाए. पहले क्या है, पहले आपकी यहाँ पर कृष्णा आती है. ओके यहाँ पर आप कृष्णा की देख सकते हो, यही ट्रिब्यूटरी है. कृष्णा आती है, कृष्णा से आपका यहाँ पे फिर उसके बाद पेन्नर आता है. ये सेकंड नंबर में आपका आ गया पेन्नर. पहला में है आपका कृष्णा, थर्ड है आपकी ये कावेरी. ओके और कावेरी से ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये फोर्थ है आपका वेगई. ओके ये वाला वेगई. तो यहाँ पे आपका पहला आ गया कृष्णा, फिर है पेन्नर, फिर है कावेरी, फिर है वेगई. ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट में आपका आ गया कृष्णा, कृष्णा के नीचे आपकी थी पेन्नर. ओके यहाँ पर सेकेंड में पेन्नर आ गई, फिर थर्ड में आपकी कावेरी है और फोर्थ में आपका यहाँ पे वेगई है. यानी कि आपका ए कहाँ हो जाएगा, तो ए आपका पेन्नर हो जाएगा टू में, यानी कि ए में टू हो जाएगा. उसके बाद वेगई आपका यहाँ पे फोर में हो जाएगा, यानी कि बी में फोर हो जाएगा. कावेरी सी में थ्री हो जाएगी और कृष्णा डी में वन हो जाएगी. यानी कि इसकी करेक्ट आंसर जो आपकी है वो है ए. ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर देखते हैं. ही गाइज, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट. माई सेल्फ रिशिका. और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपीएससी के सीएपीएफ की एसी की यहाँ पे एग्जाम हुई है असिस्टेंट कमांडेंट की. तो इसी की पेपर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं. 18th August 2019 को हुई थी. तो इसमें आपकी टोटल 125 क्वेश्चन होती है, जो कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल आपकी 250 मार्क्स की ये पेपर होती है. ये फर्स्ट पेपर है जो कि आपकी जनरल मेंटालिटी और इंटेलिजेंसी से रिलेटेड होती है. तो इसमें आपको सारी क्वेश्चन देखने को मिलेगी, यानी कि आपका जो स्टैटिक पोर्शन होता है, पॉलिटी होगी, आपकी ज्योग्राफी होगी, साथ ही हिस्ट्री होगी, उसके बाद करंट अफेयर्स भी है, कुछ आपकी रीजनिंग की क्वेश्चन है, कुछ आपकी यहाँ पर जनरल एबिलिटी भी क्वेश्चंस है. ओके तो सारी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. तो देखते हैं कि हाफ एन आवर में आज मैं कितना डिस्कस कर पाती हूं. अगर एक लेसन में पूरी नहीं हो पाएगी तो इसको 2-3 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगी, लेकिन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा. साथ ही अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहां पर देख कर गए हो, सॉल्व करके गए हो, तो 110% है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि पैटर्न यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है. क्वेश्चन की जो लेवल है वो यहाँ पे आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रखा गया, जो कि हर बार आपको सीएपीएफ में देखने को मिलेगा. तो इस बार भी वैसे ही कुछ पैटर्न रहा है और जो क्वेश्चन का लेवल है वो यहाँ पर उस तरीके से मेनटेन रहा है. तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो हर बार की तरह उतना ही दिखने को मिलेगा, आपका ±5 में जाएगा. तो देखते हैं कि और कितना इसका कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कितना ऑफ होने वाला है. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और साथ ही साथ मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी आप लोग में से जिसने भी यहाँ पे सीएपीएफ का एग्जाम दिया, आपकी किस तरीके से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और इस तरीके की जो भी क्वेश्चन मुझे लगे कि मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर दूंगी तो मैं उसको ज़रूर एलाबोरेट कर दूंगी, क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने चलूँ तो फिर एक लेसन में आपका 10 से 15 ही क्वेश्चन हो पाएगा. तो मैं यहाँ पर मेनली आपको आंसर बताते चलूँगी और जहाँ पर मैं शॉर्टकट तरीके से आपको यहाँ पर डिस्कस कर सकूँ तो वो करूँगी.
अगर आप लोग पूरे डिटेल में डिस्कशन चाहते हो और जितनी भी इस तरीके की रीजनिंग क्वेश्चन और जो आपका जनरल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है अगर उसका डिटेल आपका आंसर सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से इन सारे क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, क्या यहाँ पर ट्रिक्स एंड आपका ट्रिक्स और टेक्निक होना चाहिए जिसके थ्रू आप इस सारे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में आप निकाल कर ले सको। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ, ये आपका सेट नंबर डी है, ये सेट डी है जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है, एक फिगर है जिसमें कि आपका क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे मिसिंग वन है, यानी कि इस मिसिंग नंबर को आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा, 12, 16, 32 और 48। तो इसमें देखिए, एक मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे आप देखो इस तरीके से डिवाइड कर दो पहले सर्किल को, उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि क्या नंबर आने वाला है, यानी यहाँ पे फर्स्ट है, सेकेंड है, 12 है, 4 है, 8 है। तो आप कुछ भी इसमें आप बोर्ड मास लगा सकते हो। सबसे पहला आपको बोर्ड मास लगाना है, यानी कि कुछ भी प्लस माइनस आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको यहाँ का नंबर खोज के निकालना है। तो थोड़ा सा आप ट्रिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो आप यहाँ पर डायगोनली देख सकते हो, वन अगर वन को फोर से आप इंटू करोगे तो फोर आएगा, टू को फोर से इंटू करोगे तो एट आएगा। उसी तरीके से यानी कि फोर हम लोग इंटू कर रहे हैं तो यहाँ वाली इस साइड वाली सारी नंबर हम लोग को मिल रही है, यानी कि ट्वेल्व को भी हम लोग अगर फोर से इंटू करते हैं तो हम लोग को 48 मिलेगा। अब 48 हमारा ऑप्शन में है तो यस, हमारा 48 ऑप्शन में है, यानी कि फर्स्ट का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ओके मैं आप लोग डिटेल में चाहते हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, मैं इसका आंसर आपको डिटेल में ज़रूर समझाऊँगी। ओके अब सेकंड क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि आर्य समाज के बारे में बता रही है, जो कि आपका 19 सेंचुरी में ये इमर्ज्ड होकर आया था। फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस दी थी जो कि ट्रेडिंग कास्ट चल रही थी। सेकंड स्टेटमेंट है कि यहाँ पे शुद्धि और मास प्यूरिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो मॉडरेट्स थे आर्य समाज में वो यहाँ पे हंस राज के द्वारा हेड किया जा रहा था और लाजपत राय के द्वारा, और ये एक तरीके का चेन सेटअप किए थे जिसको दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहा जाता था। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है कि आर्य समाज में यहाँ पर बहुत कम नंबर थे अगर हम लोग यहाँ पर ब्रह्मू समाज के कंपेरिजन में देखें। यहाँ पर आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। ओके तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों आपका सही। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सतवाहनास रूलर्स जो है उनको उनके मेट्रोनाइमिक्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता था। सेकेंड है कि सतवाहनास के जो सक्सेशन है ना वो यहाँ पे थ्रोन थे जो कि जनरली पैट्रीनियलन थे। तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो फोर में आपका दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो गया। ओके अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन नंबर में आते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका लिस्ट वन और लिस्ट टू बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ये आपका मैप दिया गया है और ये बॉर्डर ऑफ सिक्किम है, ये आपका सिक्किम का टेरिटरी दी गई है और ये बॉर्डर है। इसमें आपको करेक्ट मैच करना है, यानी कि ए बी सी डी रखा गया और ये 1, 2, 3, 4 है, यानी कि किस साइड कौन सी यहाँ पर आपकी कंट्री है या फिर आपका स्टेट है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आप देखिए ए जो है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपका नेपाल होता है, और उसके बाद वन जो है यानी कि इस साइड आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है चाइना है, उसके बाद ये जो है आपका बी यानी कि टू जो है वो आपका भूटान है, और यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, यानी कि इसकी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ओके उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है, इनमें से कौन सी फॉलोइंग नाम जो दिया गया है हमारे इंडियन रेलवे को, जो कि हमारे यहाँ खुद का इंडिया का बना हुआ ट्रेन 18 है। पहले ये ट्रेन 18 के नाम से था लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया था, तो इसका नाम बदल के क्या रखा गया था, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन भी आपका करेंट अफेयर का है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का एम है कि यहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर जो है उनको रिड्यूस करना था, और एटलीस्ट 102 सिटीज़ में जो कि इंडिया की है, और 2024 तक हमें 20-30% तक पर्टिकुलेट मैटर को यहाँ पे डिक्रीज करना है। तो जो बेस ईयर है कंपैरिजन के लिए वो बेस ईयर कौन सा रखा गया, तो यहाँ पे जो आपका बेस ईयर रखा गया है वो है सी, यानी कि 2017 को कंपेयर करके देखा जाएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, यानी ये भी आपका करंट अफेयर्स से है कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग आपकी इंडियन नेवी है, जो कि डिस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी की, जिसको डी कमीशन कर दिया गया है मई 2019 का, INS राणा, INS रंजीत, INS राजपूत, INS सिंधु रक्षक। तो इसकी करेक्ट आंसर है बी, INS रंजीत। ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये भी आपका करंट अफेयर्स है। इंडियन एयर फोर्स रिसेंटली यहाँ पे एक्वायर्ड की है AH-64E-1, एक अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर है, तो ये हेलीकॉप्टर आपका कहाँ बना है, इंडिया, रशिया, फ्रांस, USA। तो इसकी करेक्ट आंसर है डी, USA। इनमें से कौन सी कंट्री है जहाँ पे क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था, स्वीडन, न्यूयॉर्क, UK, आयरलैंड।
तो इसकी करेक्ट आंसर है सी यूके, और 10 भी आपका यहाँ पे जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट 11, जो कि आपका यहाँ पे आ गया जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस। तो 11th है, 11th की मैं यहाँ पे आंसर बता देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 11th का यहाँ पे सी है यानी कि 20, और 12th का यहाँ पे आपका आंसर है ए यानी कि NOML। 13 की बात करें तो 13 में यहाँ पे आपकी करेक्ट आंसर है बी यानी कि 15। 14 की आंसर की बात करें तो 14 में भी यहाँ आपकी आंसर है बी यानी कि 249। इन सब की अगर आपको पूरी तरीके से सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी आपको। और 15 की करेक्ट आंसर है ए यानी कि 2। और 16 है यहाँ पर फिनेंस कमीशन को लेकर, यानी कि ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ गई कि यहाँ पे कितने एसेंशियल रिक्वायरमेंट है पर्सन का कि जिनको यहाँ पे मेंबर ऑफ फिनेंशियल कमीशन फिनेंस कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और वन क्वालिफाइड जो है यहाँ पे आपके फिनेंस कमीशन के मेंबर के जैसा यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हैं। सेकंड है कि यहाँ पे एक पर्सन जिनके पास वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फिनेंशियल मैटर को लेकर और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, तब वो यहाँ पे फिनेंस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं। साथ ही एक पर्सन जिनके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स को लेकर। तो इन तीनों में से कौन से ऐसे पर्सन है जो कि फिनेंस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी कि सेकेंड और थर्ड। ओके, फर्स्ट यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब आते हैं 17। 17 में है कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग म्यूजिशियंस हैं जो कि कोर्ट ऑफ राजा मान सिंह तोमर में सर्व किए थे और बहादुर शाह ऑफ गुजरात में वो सर्व किए थे। तो 17 की जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि बैजू बरवा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन। जो सूफी वर्ग है काशुफ मजहूब, ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपकी हिस्ट्री की क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर है ए अबुल हसन अल हुजवीरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि यहाँ पे आपका 19 है कि इनमें से कौन से फॉलोइंग है जिनको कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेंसी केस 1924 में जेल हो गया था? तो इसकी करेक्ट आंसर है मुजफ्फर अहमद यानी ए, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी और नालिनी गुप्ता। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और उनके फाउंडर है जो कि नॉट करेक्टली मैच है, यानी कि यहाँ पे आपके फर्स्ट है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, और फिर है जमायत उल उलामा ए हिंद, उसके बाद है आपका कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, फिर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इनमें से जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो नाम रखा गया है वो कौन से यहाँ पे इनकरेक्ट है यानी कि सही मैच नहीं है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि नेशनल लिबरेशन फेडरेशन में तेज बहादुर सपरू भी थे, एम आर जयाकर भी थे, वही जमायत उलामा ए हिंद की बात करें तो यहाँ पर आपका मौलाना भी थे और हसन शेख उल हिंद भी थे। वहीं अगर हम लोग कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो बी जी तिलक भी थे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो यहाँ पर एम एन रॉय नहीं थे। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया 20 का डी। 21 में चलते हैं कि यहाँ पे कौन सी फॉलोइंग है जो कि रिप्रेजेंट करती है इनर प्लैनेट, यानी कि ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया। 21 में जो है प्लैनेट किसको हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं? उन सारे प्लैनेट को कहते हैं जो कि सन और बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड के बीच में होती है। तो करेक्ट आंसर आपका 21 का बी हो गया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, यानी कि ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। लैंड फॉर्म और एजेंट है तो इसको आपको मैच करना है, यानी कि यहाँ पर आपका लॉस है, तोम्बोलो है, पॉइंट बार्स है और मोराइंस है। तो ये सब किस किस एजेंट से यहाँ पे आपका लैंडफॉर्म बना है, तो ये आपसे करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका मैचिंग है वो ए यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे लॉयस का आप देखो कि ये विंड डिपॉजिट है, और बी का यानी कि तोम्बोलो आपका सी डिपॉजिट हो गया, और यहाँ पर आपका पॉइंट बार जो है वो रिवर डिपॉजिट है, मोराइंस जो है वो आपका ग्लेशियर डिपॉजिट है। ओके, अब आगे आते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24 फिर आपका यहाँ पे आ गया जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस। तो मैं इसकी आंसर बता देती हूँ। 24 की करेक्ट आंसर है सी 96। वहीं 25 की बात कर ले तो 25 की करेक्ट आंसर है बी यानी कि 97। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है यहाँ पे आपकी 26 की आंसर। तो 26 में आपसे पूछा जा रहा है वासुदेव बलवंत फडके इनको हिस्ट्री में किस लिए जाना जाता था? तो इनको हिस्ट्री में जो जाना जाता था वो ये है कि ये आर्म्ड अपराइजिंग में थे जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ रहे थे 1870 में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे भी आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है, यानी कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, पुणे सार्वजनिक आपका यहाँ पे सभा है, मद्रास महाजन सभा है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। तो कौन कौन सी इसमें आपका सिक्वेंस वाइज इसको सजाना है? तो ये आपका ऑलरेडी सिक्वेंस वाइज ही सजा हुआ है, तो इसकी करेक्ट आंसर है ए 1 2 3 4। ओके, अब आते हैं 28 में। सितार पोइट्री जो यहाँ पे तया मनवर
में थे वो किस लिए फेमस थे। ओके तो यहाँ पे 28 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि राइटिंग जो थी उनकी वो डिवोशनल सॉन्ग, यानी कि काफ़ी डिवोशनल सॉन्ग वो यहाँ पे लिखते थे इसलिए वो काफ़ी फेमस थे। अब आते हैं 29 क्वेश्चन नंबर में, जिसमें कि आप इसको कह सकते हो कि ये आपका करेंट अफेयर्स का था, और करेंट अफेयर्स में ये आपका इकोनॉमी की लेसन है जो कि आपको PT 365 में मैं पढ़ाई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे कंट्रीज़ को अरेंज करना है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर में इसको आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताई थी, अगर आप मेरा विजन आया इसका लेसन देख रहे हो, तो सबसे जो टॉपर थी वो यहाँ पे नॉर्वे थी, नॉर्वे के बाद सेकंड रैंक में स्विट्जरलैंड, थर्ड में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू। ओके तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। अब आते हैं 30 में, जो कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें से ऐसी एरिया है जो कि आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम्स में आपका वो इंक्लूड नहीं है। तो 30 की जो करेक्ट आंसर होगी वो आपकी हो गई वेस्ट इंडीज़। ओके अब आते हैं 31, जो कि आपका ये बेसिक ज्योग्राफी है, यानी कि डोलरम क्या है। डोलरम अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो डोलरम क्या है, क्लाइमेट वाला चैप्टर, तो आपको पता चल जाएगा। डोलरम एक इक्वेटोरियल काम है, काम एंड लाइट विंड्स है, रोरिंग फोर्टीज, नो रोरिंग फोर्टीज नहीं है ये आपका, वेरिएबल बोथ इन पोजिशन एंड एक्सटेंट, येस 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ए। 31 का इसमें आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। ओके आगे चलते हैं 32 का देखते हैं। 32 भी आपका ज्योग्राफी से है, यानी कि जो जेंटली स्लॉपिंग accumulations of coarse alluvial deposit by braided stream is known as, ये आपका एकदम से सिंपल सा डेफिनेशंस पूछा जा रहा है, तो अगर आपको इसका डेफिनेशंस पता होगा तो इसको हम लोग सैंड बार कहते हैं। नेक्स्ट है 33, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इनमें से आपकी पैलियोक्लाइमेटिक जियोलॉजिकल इंडिकेटर नहीं है। ओके तो 33 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि सेडिमेंट्री डिपॉजिट यहाँ पे नहीं है आपकी जियोलॉजिकली इंडिकेटर। 34 आपका फिर से आ जाता है करेंट अफेयर्स, यानी कि इंस्पायर पूछा जा रहा है, काफ़ी न्यूज़ में था इंस्पायर। अगर इंस्पायर की आपको फुल फॉर्म पता होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल कर ले जाओगे, तो इसलिए मैं आपको फुल फॉर्म पर ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देती हूँ। इंस्पायर में आपका जो है वो अट्रैक्शंस ऑफ टैलेंट फॉर साइंस एंड रिसर्च के लिए, यानी कि यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि हालांकि आप देखोगे ना कि आपका जो लगभग लगभग सारा जो आपका ऑप्शन है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, आप मे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो, लेकिन 34 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए। ओके अब आते हैं 35, तो 35 भी आपका जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसकी करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपका आंसर होगा 90, यानी कि डी। ओके और 36 की क्वेश्चन से आप देख सकते हो ये ज्योग्राफी की है, यानी कि यहाँ पे आपको पोजीशंस के हिसाब से बे और बंगाल में नॉर्थ टू साउथ आपको सजाना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग यहाँ पे एनसीईआरटी अगर ज्योग्राफी की पढ़ लेते हो ना अच्छे से, तो आपका इन सारे यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ओके इसलिए मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहती हूँ। तो 36 है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पहले पाक स्ट्रेट आती है, पाक स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ पे पाक बे है। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छा ट्रिक से आपको बताई थी कि स्ट्रेट है, पाक बे है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार है। ओके अगर आप लोग मेरा अनअकैडमी का ज्योग्राफी वाला लेसन नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं ट्रिक से बताती हूँ कि इन सारी चीज़ों को आपको कैसे याद रखना है। तो 36 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37। 37 भी आप कह सकते हो कि आपका इन्वायरमेंट से या फिर करंट अफेयर्स, इन दोनों में आपका क्वेश्चन, इन दोनों में आपका वीना कन्वेंशन या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमेशा न्यूज़ में रहता है, और अगर आप इन्वायरमेंट की संकर आईएएस पढ़ते जाते हो तो उससे भी आपका ये क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो 37 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है, हमेशा आप देखोगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वीना कन्वेंशन जो है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पे बातें होती है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। ओके अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपका 38 है वो भी आपका जनरल एबिलिटी की है, तो 38 की करेक्ट आंसर आपकी ए हो जाएगी, यानी कि अमित। 39 की बात करूँ तो 39 की इसकी करेक्ट आंसर है डी, यानी कि एम इज़ ब्रदर ऑफ बी। 40 की बात करूँ तो 40 की करेक्ट आंसर है सी, ई एम एन एक्स टी एस। 41 की बात करूँ तो 41 की करेक्ट आंसर है डी, यानी कि एन मीटी। 42 की बात करूँ तो 42 की करेक्ट आंसर है सी, वन यानी कि 101.26। अगर 43 की बात करूँ तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 12/17। ओके अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है 44। तो 44 फिर आपका यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी जो है आपकी सेंट्रल फीचर्स ऑफ पॉलीआर्की की नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, यानी कि गवर्नमेंट इज़ इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल, राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रेस्ट्रिक्टेड, प्रैक्टिकली ऑल एडल्ट हैव राइट टू वोट एंड देयर इज़ फ्री एक्सप्रेशन एंड अ राइट टू क्रिटिसाइज प्रोटेस्ट। तो ये है, ये भी है, गवर्नमेंट इज़ इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल, ऑब्वियस ये भी है, यानी कि जो नहीं है वो है आपका करेक्ट ऑप्शन बी। बी इज़ द यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपसे नहीं पूछा जा रहा है। ओके अब आते हैं 45, यानी कि जो यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है पॉलिटी से, वो है यहाँ पे मनी बिल। ओके आप हर साल देख लो या फिर अल्टरनेट आपको मनी बिल से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो मनी बिल में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है
कि कौन सी यहाँ पे नहीं है। नॉट का खास ख्याल रखिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आपकी गलत हो जाती है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि जो पेमेंट मनी का होता है वो कंसोलिडेशन फंड्स ऑफ इंडिया से होता है, तो ये यहाँ पे गलत है। ओके, अब आते हैं 46। 46 है, ये भी आपकी पॉलिटिक्स है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये एक प्रोविजन्स है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, लेकिन ये प्रोविजन्स आपका कहाँ रखा गया है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स है, या फिर प्रीएम्बल है? ओके, तो ये जो आपकी यहाँ पे प्रोविजन्स है ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रखी गई है। इट मीन्स कि आंसर यहाँ पे बी हो जाएगी, 46 का बी। अब आते हैं 47 जो कि पॉलिटिक्स है। यहाँ पे आपका कहा गया है कि कौन सी अथॉरिटीज़ है जो कि यहाँ पे लोक अदालत को ऑर्गेनाइज नहीं करती है, नहीं है, कैन नॉट, नहीं कर सकती है, ये पूछा जा रहा है। पंचायत कमेटी, तालुक लीगल सर्विस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। यानी कि यहाँ पे जो आपकी करेक्ट आंसर है वो ए, यानी कि पंचायत कमेटी यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती लोक अदालत को। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, यानी कि यहाँ पे आपका एक वर्ड दिया गया है और इसके रिलेटेड आपका करेक्ट पूछा जा रहा है, इको रेडिकल्स। ओके, इनसे रिलेटेड आपका करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है कि इको रेडिकल्स होता क्या है। ये आप साइंस से रिलेटेड भी कह सकते हो। यहाँ पे इको रेडिकल्स कहा जा रहा है कि ये बिलीव करते कि ह्यूमन सोसाइटीज़ जो कि अर्थ में है और ये डेंजरसली मूविंग कर रही है क्लोजर टू द लिमिट ऑफ अर्थ कैरिंग कैपेसिटी, दे कॉल फॉर स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल एंड दे स्ट्रेस फॉर लेस कंजप्शन ओरिएंटेड एंड वेस्ट प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगी वो आपकी तीनों हो जाएगी, ए बी सी, यानी कि यहाँ पे आपका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी करेक्ट है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर क्वेश्चन फिर से आपकी यहाँ पे हिस्ट्री से आ गई, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 4 स्टेटमेंट दिया गया। इसका एम है कि यहाँ पे हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म लाना था, ये हमारी महाराष्ट्र में के बेस्ट पे है और यहाँ पे मोनोथेसिज्म के बिलीव किया जाता था और यहाँ पे ग्रेटली इसको ब्रह्म समाज से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। तो 49 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो आपका ए होगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 क्वेश्चन नंबर। तो 50 क्वेश्चन नंबर में आपका यहाँ पे काउंसिल एक्ट 1892 से पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे नेशनलिस्ट अपोज करती है काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि नंबर ऑफ जो मेंबर है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वीवीपैट को लेकर। ऑब्वियस इससे क्वेश्चन पूछना था क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, इलेक्शन अभी अभी ख़त्म हुआ है और ये आपका यहाँ पे करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो वीवीपैट जो यहाँ पे यूज़ हुआ फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो इसे पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है वीवीपैट। ओके, तो ये बहुत ही डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये फर्स्ट टाइम जो यूज़ हुआ था ये नागालैंड में यूज़ हुआ था, यानी कि नॉक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूज़ किया गया था नागालैंड, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि 52 क्वेश्चन नंबर है। थीम आपको बताना है जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, जो कि स्टेट ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 में है। तो इसकी यहाँ पे थीम क्या थी, आपको थीम बताना है। तो इसकी जो करेक्ट थीम है वो है सी, अनफिनिश्ड बिजनेस, द परस्यूट ऑफ राइट एंड चॉइस फॉर ऑल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 53 क्वेश्चन नंबर में। इनमें से कौन से फॉलोइंग है जिनको सरस्वती सम्मान दिया गया ईयर 2018 के लिए? तो ये आपको इसकी करेक्ट आंसर है के शिवा रेड्डी। ओके, नेक्स्ट आते हैं 54 जो कि है कंदमाल हल्दी। ये GI टैग रिसेंटली दिया गया है, तो कंदमाल हल्दी कहाँ दिया गया है? तो ये आपकी सदर्न उड़ीसा में दी गई है। ओके, तो इसकी करेक्ट आंसर है आपकी बी। अब आते हैं 55 यानी कि जायद मेडल, ये टॉप सिविलियन ऑनर है। तो कौन से कंट्री की ये टॉप सिविलियन ऑनर है? ये आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। ये सब करेंट अफेयर्स की क्वेश्चंस है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है जब लॉन्गिट्यूडनल वेव यहाँ पे आपका सर्टेन मीडियम से ये मूव करती है, तो क्वांटिटी जिसमें कि ये ट्रांसमिट होती है तो वो मीडियम कौन सी है? तो यहाँ पे 56 की जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी बी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपकी एनर्जी की ज़रूरत है। ये आपका बेसिक साइंस से क्वेश्चन है। उसके बाद जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट यूरेनियम 235, यानी कि 235 के अंदर में न्यूट्रॉन की नंबर कितनी है ये आपको बताना है। ये केमिस्ट्री से हो गई और इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी 143। उसके बाद आपकी 58 क्वेश्चन नंबर आती है जो कि यहाँ पे आपका जनरल एबिलिटी से है। तो 58 की करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 600 न्यूटन। फिर 59 देखते हैं, ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है। तो कौन सी इसमें से करेक्ट नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो करेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ लॉन्गिट्यूडनल, नो, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो गया।
60 की बात करें तो इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेकर, तो ये भी आपका बेसिक साइंस है, ये आपका साउंड वेव है जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। लाइट वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव सब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लेकिन साउंड वेव को नहीं कहते हम लोग। 61 आते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये क्यों होता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये जस्ट बिकॉज क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसलिए ये सब बेसिक साइंस है। अगर आप एनसीईआरटी भी साइंस की पढ़ते हो ना तो फिर भी आप ये सारी क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल कर ले जाओगे। ओके अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है 62। 62 में है कि एसेंशियल क्या क्या एसेंशियल है हमारे वीट कल्टीवेशन में, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस में, एक फ्रॉस्ट फ्री पीरियड होना चाहिए 100 डेज़ का, लाइट क्ले और हेवी लोम सॉइल होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस इतना तो ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईजिली यहाँ पे फर्स्ट अगर एलिमिनेट कर देते हो तो आप यहाँ पे आंसर में पहुँच गए, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे बेसिक सा है, अगर आप लोग को बिल्कुल भी पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ये करंट अफेयर्स है। ग्वादर पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, श्रीलंका, तो इसकी करेक्ट आंसर है पाकिस्तान, क्योंकि आप ईरान देख रहे हो, पाकिस्तान देख रहे हो, ईरान में हमारे यहाँ चाबहार पोर्ट बनाया जा रहा है और चाइना के द्वारा पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट 64 क्वेश्चन नंबर में, तो यहाँ पे है कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो इंडियन पेनिनसुला का है वो आपका कन्वर्टेड हो रहा है ग्रेट सेंटर ऑफ वोल्केनिसिटी, तो ये आपका कब हुआ था ये बताना है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि होल ऑफ क्रिटासियस पीरियड में। ओके अब आते हैं 65 जो कि आपका यहाँ पे फिर से जनरल एबिलिटी की है, तो 65 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी 14। उसके बाद आपका इसमें पूछा जा रहा है 66 में कि वुड स्पिरिट हम लोग किसको कहते हैं, तो वुड स्पिरिट हम लोग यहाँ पे मेथनॉल को कहते हैं। ओके फिर हम लोग आते हैं 67 में कि इसमें टिंडल इफेक्ट किसको नहीं कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट आप लोग समझते होंगे, साइंस की बेसिक ये है, टिंडल इफेक्ट जो है हम लोग लाइम जूस को यहाँ पे नहीं कंसीडर कर सकते। 68 अगर देखें तो यहाँ पे कौन सी मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस है जिसके थ्रू हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सके, तो गैस को यहाँ पे आपको लिक्विफाई करना है तो फेवरेबल कंडीशंस जो आपकी होनी चाहिए वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होनी चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर आपकी डी है। 69 की बात करें तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे, तो ये बेसिक है आपको पता होना चाहिए कि ये बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और मेलाचाइट कैलामाइन, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। 70 की बात करें कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जिसमें कि आपका सी ओ एच ग्रुप कंटेन नहीं है, यानी कि सी ओ एच ग्रुप नहीं पाया जाता है, तो ये बेसिक आपकी इससे केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो इसकी करेक्ट आंसर है डी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। ओके अब नेक्स्ट चलते हैं 71 क्वेश्चन नंबर में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होती है इसमें क्या होता है, तो इसमें आपकी सल्फ्यूरिक एसिड होती है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सॉल्यूशन होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 72 क्वेश्चन नंबर में, तो 72 में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो कि कारकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में आपके एसोसिएटेड नहीं थे। ओके तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है सोरेसेन, 72 का डी, ये आपकी हिस्ट्री की क्वेश्चन आ गई। फिर है हिस्ट्री की क्वेश्चन भगत सिंह से रिलेटेड कि कौन सी इसमें से ट्रू नहीं है, तो भगत सिंह वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट आइडियाज, ही वॉज अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। थर्ड है अब भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929 विद द ऑब्जेक्टिव टू किल एज मेनी एज पीपल। ओके तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर होने वाला है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पे थर्ड को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, भगत सिंह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जितने लोग यहाँ पे मैक्सिमम लोग मर सके, तो अगर आप थ्री एलिमिनेट कर देते हो ना मतलब कि ये आपका इनकरेक्ट ही है। ओके यहाँ पे आपका नॉट ट्रू पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप थ्री तो रख लो कि थ्री यहाँ पे आपका इनकरेक्ट है, बाकी आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, तो फर्स्ट सही और सेकंड सही अगर आप लोग एलिमिनेट कर देते हो तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ गया। ओके तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो अगर आपको बेसिक चीज़ें ज़्यादा नहीं पता है तो। अब आते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में कि इनमें से कौन सी नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्यासागर्स राइटिंग सिग्निफिकेंटली हेल्प टू डेवलप द बंगाली लैंग्वेज, ही रिसीव द टाइटल विद्यासागर फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, ही वॉज इंथ्यूसिस्टिक अबाउट द स्प्रेड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, विद्यासागर डिफेंडेड विडो मैरिज विदाउट बीइंग कंसीव्ड अबाउट स्क्रिप्चुअल सपोर्ट। तो इनमें से कौन नहीं करेक्ट है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 74 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो नहीं है वो है 4, यानी कि 4, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके अब आते हैं 75 में जो कि जालियांवाला मैसेकर के बारे में बात है, जालियांवाला बाग मैसेकर, तो इनमें से कौन सी करेक्ट ये पूछा जा रहा है। इन जालियांवाला बाग ट्रूप्स ओपन फायर अपॉन एन
unarmed crowd. The troops were under the command of General Dyer, and the troops did not issue any warning to the people before opening fire. Obviously, ये भी correct statement है. तो 75th की जो correct है वो आपकी तीनों है, यानी कि first, second, third, C is the correct option. Okay, अब आते हैं 76 में, ये भी आपका आ गया general ability question. तो 76 की जो correct answer है वो है B, और 77 की जो correct answer है वो आपका हो गया C, यानी कि first, second, third. और यहीं पे अगर हम लोग बात करें 78 की, तो 78 की correct answer है B. फिर उसके बाद 79 की बात करें तो 79 की जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 5 मीटर. उसके बाद हमारी पॉलिटी की क्वेश्चन आ जाती है डीपीएसपी से, तो इसमें भी पूछा जा रहा है कि नॉट, ओके, नॉट प्रोवाइडेड अंडर द डीपीएसपी. तो यहाँ पर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस. उसके बाद है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो है 44. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी है. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ हेल्प मैनेजमेंट, नो. ये लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो आपका आ जाता है पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज़ में, ये आपका डीपीएसपी में नहीं रखा गया. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपकी 80 की डी हो जाएगी. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि आपका यहाँ पे फिर से मॉडर्न इंडिया से आता है. ओके, तो मॉडर्न इंडिया से आपसे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्लान रिपोर्ट, जो डिसीजन है यहाँ पे पंजाब को और बंगाल को पार्टीशन करने का, वो यहाँ पे किनके वोटिंग, यानी कि यहाँ पे लिया गया था वोटिंग जो कि मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा दिया गया था. तो ये रिपोर्ट आपका कौन, किसके द्वारा ये आपका पब्लिश की गई थी. तो 81 का जो ये आपका रिपोर्ट, ये पब्लिश किया गया था कि पंजाब और बंगाल को यहाँ पे डिवाइड करना है. तो ये था माउंट बेटन प्लान. ओके, माउंट बेटन प्लान. अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है 82. यहाँ पे भी आपका मैक्स वेबर्स आइडिया थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में पूछा जा रहा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट रिफर्स टू द डोमिनेंट क्लास कैरेक्टर. सेकंड है कि ब्यूरोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक. तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि सेकेंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, 83 नेक्स्ट आते हैं. फिर डीपीएसपी से पूछा गया है लेकिन नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है. तो 83 का जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैं अगर एक एक करके पढ़ूंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ कि जो नहीं सही है वो है सी ऑप्शन, यानी कि डीपीएसपी में यहाँ पे कोई भी तरीके का प्रेसिडेंस नहीं दिया गया फंडामेंटल राइट का, अगर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों के ऊपर, यानी कि दोनों यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा एज़ कम्पेरिजन टू डीपीएसपी. अब नेक्स्ट आते हैं 84 क्वेश्चन नंबर में, ये आपका है लिबरल डेमोक्रेसी की फीचर्स, यहाँ पे इसके बारे में बताना है. तो इसकी जो 84 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही है. लिबरल डेमोक्रेसी की फीचर्स यहाँ पे पूछ रहा है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो कि यहाँ पे फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स पे बेस्ड होना चाहिए. फिर गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टी और इंडिविजुअल राइट है. ये यहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी इन्वेस्ट करती है और पोटेंशियली यहाँ पे अनलिमिटेड पावर के साथ. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपकी डी हो गई, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. अब आते हैं 85 है यहाँ पे. रेटोफाइट्स, ये एक तरीके का प्लांट है. इस तरीके की क्वेश्चंस जो है आपको यूपीएससी में हमेशा देखने को मिलेगा, चाहे वो ये सिविल सर्विस के एग्जाम हो या फिर सीएपीएफ के एग्जाम हो या फिर आपका एनडीए के एग्जाम हो. इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि एक अजीबोगरीब जो प्लांट और जो स्पीसीज पाए जाते हैं, जो हिंदू न्यूज़पेपर में आप लोग देखते हो साइड कॉर्नर में, लास्ट पेपर में जो होता है, लास्ट न्यूज़पेपर में जो आपका कॉलम होता है, उस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर रहता है. तो ये आप अगर इसको नोट डाउन करके अगर आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते हो तभी इस तरीके का क्वेश्चन कैच कर सको. लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है क्योंकि मैक्सिमम को आउट करना है. ओके, यहीं पे आपका खेल शुरू होता है कि इस तरीके का क्वेश्चंस को अगर आप यहाँ पे अटेम्प्ट लेते हो तो ही आपका यहाँ पे आप या तो सिलेक्शन ले सकते हो या तो सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो. ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे नहीं अटेम्प्ट ले पाते. ओके, तो ये टफ बनाने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को. तो 85 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एरिड एनवायरमेंट. अब आते हैं नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है लेकिन नॉट करेक्ट पूछ रहा है. तो अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चंस है और इसकी जो करेक्ट आंसर होगी वो है डी, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट है. ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके प्रेसिडेंट के प्लेजर से रहते होल टाइम नहीं रहते. ओके, अब आते हैं 87, जो कि आपका यहाँ पे लेजिस्लेचर से रिलेटेड है. ये भी आपकी पॉलिटी की क्वेश्चन है. तो यहाँ पे जो 87 में पूछा जा रहा है कि ये रिलेट करती है मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड कैन बी आस्क्ड फॉर ओरल आंसर एट ए नोटिस लेस देन 10 डेज. ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के ऊपर है. ओके, कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो लेजिस्लेचर में आती है उसके बारे में पूछा जा रहा है. सेकेंड स्टेटमेंट है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है, अगर यहाँ पे मिनिस्टर्स कंसर्न करेंगे कि वो यहाँ पे आंसर देना चाहते हैं, अग्री होंगे तभी वो दे सकते हैं. और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन आवर के टाइम पे ही पूछा जा सकता है. तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो
तो 87 की जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी आपके थर्ड, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन आवर के दौरान इसे नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप थर्ड इजली एलिमिनेट कर पाते हो ना तो आप आंसर में पहुँच जाओगे जो कि है बी। ओके 88 आपका फिर से पॉलिटी में है और ये 10th स्कड्यूल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो 88 में जो ट्रू नहीं है वो बी है। यहाँ पे लिख बताया जा रहा है कि डिसक्वालिफिकेशंस जो है डिफेक्शन के ग्राउंड में जब होती है तो ये आपका किसी भी केस में अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाके मर्ज हो जाते हैं तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर कोई भी इंसान कोई भी MLA हो या MPs हो अगर दूसरे पार्टी को एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाकर ये मर्ज हो जाते हैं तो डिफेक्शन के ग्राउंड ऑन द इस ग्राउंड में तो उनको डिफेक्शन में तो लाया जाता ही है, तो इसलिए वो गलत है। अब 89 आपका फिर से पॉलिटी में है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है और करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है कि कौन सी है मैचिंग, यहाँ पे कौन सी करेक्ट है। तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है, बिल्कुल करेक्ट। यूनियन लिस्ट की बात करें तो सिटीजनशिप और नेचुरलाइजेशन से करेक्ट। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो लीगल और मेडिकल एंड अदर प्रोफेशन है, ये भी करेक्ट, यानी कि तीनों करेक्ट है। देखिए पॉलिटी की अगर आपको लेसन चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में आकर स्टार्टिंग से देख सकते हो, पॉलिटी की यहाँ पे मैं M लक्ष्मीकांत से यहाँ पे पढ़ाती हूँ। ओके अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आपका यहाँ पे 90 क्वेश्चन नंबर है। तो 90 में यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी करेक्ट है, तो बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लास्ट बट वायरस डोंट, ऑब्वियस। बैक्टीरिया कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट वायरस डोंट, नो इट इज़ इनकरेक्ट। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वायरस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट बैक्टीरिया डोंट, नो इनकरेक्ट। वायरस हैव अ सेल मेम्ब्रेन बट बैक्टीरिया डोंट, नो इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज़ ए। ओके तो ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आप लोग साइंस की NCERT पढ़ते होंगे ना तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा। अब आते हैं नेक्स्ट 91 क्वेश्चन नंबर में, इनमें से कौन सी फॉलोइंग है ये विल हैपन इफ़ मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर कंसेंट्रेशन देन द सेल। तो ऐसा क्या होता है, ओके क्या होगा अगर मीडियम जो भी आपका सेल के सराउंडिंग है उनमें हाई कंसेंट्रेशन होगा जो कि सेल में है, तो ऐसा क्या होगा। तो 91 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी, जो सेल है वो यहाँ पे वाटर लूज़ करने लगेगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे विजन आइज की मैगजीन में पढ़े थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, तो यहाँ पे इसे पूछा जा रहा है ये माइक्रोस्कोप है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे अटैचमेंट देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स का उनके सरफेस से, तो ये है क्या, एक्चुअली ये है क्या, तो ये राइबोसोम्स होती है। ओके डिटेल में तो मैं अभी बता नहीं सकती। अब 93 चलते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरा यहाँ पे मेन फोकस है कि मैं आपको यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड कर दूँ। 93 है कि जो लेंथ आपका स्टेम का और रूट का इंक्रीज़ होता है प्लांट में वो क्यों होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इसलिए होता है क्योंकि एपिलर यहाँ पे एपिकल मेरी स्टेम है इसके कारण होती है। 94 है कि प्लांट सेल टर्जिडिटी और रिजिडिटी ये प्रोवाइड किया जाता है किसके थ्रू, तो ये आपका जो है वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल सैप्सिस ये आपका प्रोवाइड किया जाता है। फिर है पोलेंस, तो पोलेंस यहाँ पे किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, तो ये एंथर से प्रोड्यूस होता है। ओके प्लांट में आपको देखने को मिलेगा पोलेंस एंथर होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड होल्डिंग द क्वांटिटीज ऑफ ए फिक्स्ड फैक्टर कॉन्स्टेंट, ये एक तरीके का पॉइंट है जो कि रीच करता है बियॉन्ड किससे, तो इसकी करेक्ट आंसर है सी, यानी कि मार्जिनल पॉइंट विल डिमिनिश। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे कि कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पूछा जा रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स पूछा जा रहा है, तो इसकी जो करेक्ट आंसर 97 की बी है, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स है मोनोपोली फर्म्स की वो हमेशा अवव रहता है, यानी कि पूछा जा रहा है अवव रहता है आपका एवरेज रेवेन्यू फर्म से, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपका इकोनॉमिक से क्वेश्चन है, इससे पहले भी इकोनॉमिक की ही थी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, यानी कि व्हाटएवर द चेंज इन प्राइस देयर इज़ एब्सोल्युटली नो चेंज इन डिमांड। ओके अब आते हैं 99, ये आपका 99 यहाँ पे आपका जनरल एबिलिटी से है, तो 99 की करेक्ट आंसर है डी, यानी कि 2। उसके बाद आप 100 भी देख लो, 100 भी जनरल एबिलिटी से है जिसकी करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 14। अब 101 की बात करें तो यहाँ पे है अगर इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज़ नॉट इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिट देन क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीज़न, ये आपका इंक्लाइंड है इसीलिए तो चेंज होता है सीज़न। ओके ये अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, अभी मैं यहाँ पे नहीं समझा पाऊँगी। तो 102 देखते कि इनमें से कौन सी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके 102 तो इसमें से जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो कि अपने से लाइट उससे लाइट निकलती है, सन हो गया लाइट है, इलेक्ट्रिक लैंप में लाइट है, कैंडल में लाइट है, लेकिन मून में अपनी लाइट नहीं है। ओके तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया डी। उसके बाद 103 देखें तो जब हम लोग बीम ऑफ वाइट लाइट को यहाँ पे अलाउ करते हैं कि एक प्रिज्म से वो यहाँ पे फॉल हो तो मैक्सिमम जो डिविएशंस होता है ना लाइट का वो कौन कलर की लाइट निकल कर आती है, बेसिक ये प्रिज्म वाला फंडा है, ये आप पढ़े होंगे विबग्योर। ओके विबग्योर आप लोग पढ़े होंगे,
तो विबग्योर में वी आपका वॉयलेंट होता है, तो वॉयलेट होता है सॉरी, तो वॉयलेट ये आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे निकल कर आएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो गया बी, 103 का बी। 104 में चलते हैं कि इनमें से कौन सी फेनोमेना है जो कि आपकी साउंड वेव से एग्जिबिट नहीं करती है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये सब एकदम आपको फैक्ट से जो कि पता होना चाहिए कि साउंड वेव से क्या एग्जिबिट नहीं कर सकता, तो वो है पोलराइजेशन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 105, जो प्रिंसिपल है पेपर क्रोमैटोग्राफी में इन्वॉल्व है तो उसको क्या कहते हैं। तो 105 की है जो आंसर है वो है बी, इसको हम लोग पार्टीशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं जो कि हमारा यहाँ पे ज्योग्राफी से है, कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेट है इंडिया की जिसमें कि आपको लार्जेस्ट एरिया देखने को मिलेगा डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर के अंडर में। तो ये अगर आप फॉरेस्ट जो रिपोर्ट निकल कर आई थी उसमें अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था ये अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है 107, तो 107 में पूछा जा रहा है कि बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है जापान आर्किपेलागो में। तो जापान आर्किपेलागो कहने का मतलब कि जापान में आप देखते हो कि छोटे छोटे आइलैंड है, लेकिन फोर मेजर आइलैंड है जिसका नाम है होनशु, होकाइंडू, शिकोकू और क्यूशू। तो ये आपका जापान आर्किपेलागो है, यानी कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड है। तो इसमें भी पूछा जा रहा है कि सबसे बिगेस्ट आइलैंड कौन सी है, तो सबसे बिगेस्ट आइलैंड जो है वो है होनशु। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि ये भी ज्योग्राफी की क्वेश्चन है, कि कौन सी ऐसी मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स है जो कि इस लैटिट्यूड से, मींस मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स जो है कौन सी लैटिट्यूड से पास होती है। तो इसकी करेक्ट आंसर जो है वो है बी, यानी कि 22 डिग्री नॉर्थ से ये लैटिट्यूड पास होती है। 119 क्वेश्चन है कि यहाँ पर हिमालय रेंजेस को आपको नॉर्थ से साउथ में आपको सजाना है। तो हिमालय रेंजेस को आपको साउथ, नॉर्थ से साउथ में सजाना है, तो सबसे पहले कराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर झांस्कर है, फिर पीर पंजाल है, फिर शिवालिक है। तो ये आपकी हो जाएगी ए करेक्ट आंसर। 110 की बात करें कि सोरो रन, तो सोनो रन है क्या, तो सोरो रन एक आपका नॉर्थ अमेरिका में एक डेजर्ट एरिया है। ओके, अब आता है नेक्स्ट, ये भी आपका यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, कौन सी ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंडेरिया से ये आपका बिलोंग करता है। तो ये सब एक टफ क्वेश्चंस माना जाता है। तो 111 की आंसर है सी, हाइड्रा एंड सी एनेमोना। ओके, अब नेक्स्ट है 112 की, जो बेंडिंग होता है शूट ऑफ प्लांट का, ये लाइट के टुवर्ड्स होता है, यानी कि जैसे देखते हो कि कहीं भी आप अगर पौधा रख दो, ओके, इस तरीके का पौधा अगर कहीं भी रख दो, अगर जहाँ से सनलाइट आती है ना तो पौधा उस तरफ बेंड हो जाता है। तो ये जो बेंडिंग होती है ये क्यों होती है, ये जस्ट बिकॉज होती है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म के कारण। बेसिक साइंस है ये सब। नेक्स्ट आते हैं 113, यानी कि एपिडर्मल सेल्स जो प्लांट रूट्स की होती है वो इंक्रीज़ करती है अपनी एब्जॉर्प्शन सरफेस। तो ये कैसे करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि रूट हेयर से करती है। क्वार्ट्ज जो है एक एक्सटेंसिवली यूज होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में, तो इसमें क्या होता है क्वार्ट्स में, तो क्वार्ट्स में आपका SI है, यानी कि सिलिकॉन होता है। फिर यहाँ पे वाटर सॉफ्टनिंग के लिए किसे यूज़ किया जाता है, वाटर को और ज़्यादा सॉफ्टन करने के लिए, तो ये है NH2PHPO4। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 116, तो इसमें भी आपका है कि अगर जो सोडियम साल्ट ऑफ एनियन, यानी कि X का अगर यहाँ पे फॉर्मूला Na2X है, तो फार्मूला एल्यूमिनियम साल्ट का क्या हो जाएगा। तो इसकी करेक्ट आंसर है सी, यानी कि Al2X3। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि अगर क्लोज्ड इकोनॉमी में देखें जिसमें कि कोई भी टैक्स नहीं है, तो मार्जिनल अगर प्रोपेंसिटी अगर देखें तो ये आपका ऑलवेज 0.9 होता है, तो फिर मल्टीप्लायर का यहाँ पे आपका क्या वैल्यू हो जाएगा। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 1। ओके, अकॉर्डिंग टू सिंपल के नेशंस थ्योरी, जो स्लोप है एग्रीगेट कंजप्शन कर्व का, ये सब इकॉनमी की क्वेश्चन है, अगेंस्ट इनकम, तो ये कितनी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगी, तो ये पॉजिटिव होगी, यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 119 की बात करें तो यहाँ पे प्राइस सेलिंग की एग्जांपल पूछी जा रही है, तो प्राइस सेलिंग में से इसमें से कौन सा एग्जांपल सुटेबल है, तो ये है डी, यानी कि मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 120 भी आपका इकॉनमी से रिलेटेड है, कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग ट्रू है अगर हम लोग इकॉनमी के तर्ज पर देखें, और वही भी प्रोडक्शंस आपकी पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर के तर्ज पर देखें। तो सॉरी, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि इकॉनमी हैज अ सेक्रीफाइस सम प्रोडक्शंस ऑफ वन कॉमोडिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शंस ऑफ अनदर कॉमोडिटी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 121, ये जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का कंसेप्ट है ये किसका दिया गया है, आप लोग को पता है तो ही आप लोग इसमें आ सकते हो, नहीं तो नहीं। और ये बेसिक सा है, एडम स्मिथ ने इस तरीके का पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का ये आपका कंसेप्ट दिया है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग फॉरेस्ट एक्ट है जो कि डिवाइड करती है फॉरेस्ट ऑफ इंडिया को रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट एक्ट कौन सी है, ऑब्वियस है फॉरेस्ट एक्ट 1878 है, जो कि इस तरीके से डिवाइड करती है, साथ ही रिजर्व प्रोटेक्ट भी करती है।
उसके बाद यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है, जो कि आपका हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। 123 की जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि 3421। सबसे पहले आपका फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मो समाज था, उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ ब्राह्मण हंस मंडली थी, उसके बाद फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज है, फिर आपका फाउंडेशन 124 की बात करें तो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट से पूछा जा रहा है, जो 1905 में है। तो यहाँ पे थ्री स्टेटमेंट दी गई है, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि 1 और 3, यानी कि मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशंस देखने को मिला बंगाल में, और जो मूवमेंट है वो यहाँ पे मॉडरेट्स के द्वारा इनिशिएट किया गया था। ओके, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आपका 125th है। तो 125th जो है वो संत भाषा से पूछा जा रहा है कि संत भाषा है क्या। तो संत भाषा आपका लैंग्वेज है उलट बंसी मिस्टिस की। ओके, तो ये इसकी करेक्ट आंसर है बी। तो 125 क्वेश्चंस गाइस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, आंसर आपको पता चल चुका है सब कुछ। आप लोग अपनी एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि किस कैसा गया आपका आपका यहाँ पे एग्ज़ाम्स कैसा गया। बाकी जो यहाँ पे आपका कट ऑफ होने वाला है वो पिछले साल के ही जैसा होने वाला है, इसमें कोई भी ज़्यादा अप डाउन होने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टैंडर्ड आपको पिछले साल से ही देखने को मिल रही है, कोई भी इसमें बढ़ी घटी नहीं है। तो आपका अगर उस हिसाब से अगर अच्छा गया है तो आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप लोग नेक्स्ट लेवल जो यहाँ पे आपका फेज 2 एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि मेडिकल टेस्टिंग वगैरह होती है, तो इसमें सी रनिंग वगैरह होती है, तो वो सब के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर आपका निकल गया तो आप लोग सेकंड में जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें आप लोग को झटना नहीं चाहिए। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ पे डिस्कस चाहते हो कि मैं यहाँ पे थॉरली डिस्कस करूँ पॉलिटी की, और यहाँ पे जो आपका रीजनिंग है, जनरल एबिलिटी की क्वेश्चंस है, उन सबको मैं थॉरली डिस्कस करूँ, तो ज़रूर आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो ही मैं यहाँ पर करूँगी। ओके, तो गाइज़ ये लेसन आपको कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर कोई भी डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्ले लिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग UPSC प्रीलिम्स या UPSC CAPF की तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिक स्टैटिक पोर्शंस जो है उसकी लेसन आपको मिल सकती है। अभी हमारी यहाँ पे पॉलिटी चल रही है एम लक्ष्मीकांत की, साथ ही इन्वायरमेंट चल रही है जो कि आपका शंकर IAS अकेडमी का है। अन अकेडमी में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री की कोर्सेज मिलेगी, बहुत सारी ज्योग्राफी की बेसिक कोर्सेज मिलेगी। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए या फिर आपको कोई भी तरीके की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है रिसोर्स पॉइंट, जहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम साथ ही आपको अन अकेडमी और यूट्यूब की जितनी भी लिंक आपको मिल जाएगी, साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट जो UPSC या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड जो PDF होती है मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। ओके, सो थैंक यू।